देखिए, महाशिवरात्रि, महा मतलब महा और शिव और रात्रि मतलब सारा खेल रात्रि का है, रात का ही सारा को खेल जगाने है। के लिए। शिव और शक्ति, ये जो रात्रि है वो शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है। मतलब ऊर्जा कोई ऐसा नहीं है कि कोई लाइट आएगी या कोई कुछ है, ये सब एक सूक्ष्म जगत की बातें हैं। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी, कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। सबसे पहले तो माफ़ कीजिएगा कि शिवरात्रि के बारे में वीडियो नहीं डाल पाई मैंने। अगले दिन देखे काफ़ी सारे कमेंट्स जो कि शिवरात्रि के बारे में लोगों ने पूछा था, फास्ट के बारे में बताया गया कुछ, लेकिन मैं डालना चाहती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, समय की कमी होने के कारण से मैं डाल नहीं पाई। अपने भी कुछ काम होते हैं और इतने सारे कार्य होते हैं, तो लेकिन मैंने पोस्ट फिर भी डाल दी थी उस बारे में, शिवरात्रि के बारे में। होप आई होप आपने वो पढ़ ली होगी। उसमें मैंने जो बताया था, जो मैं डाल पाई, जो शिवरात्रि है वह हर महीने आती है, लेकिन जो महाशिवरात्रि है ये साल में दो ही आती हैं। तो बड़े विशेष दिन होते हैं जो हर बार नहीं आते हैं। मतलब ये ऐसे विशेष दिन होते हैं कुछ कि हमें इसका ना लाभ उठाना चाहिए। आध्यात्म के तौर पर ये हमें ऐसे मौके दिए जाते हैं कि हमको इस चीज़ का लाभ उठाना चाहिए। मौके इसलिए दिए जाते हैं कि इस टाइम बहुत ज़्यादा जैसे ऑफर पीरियड होता है, कि जैसे बहुत ज़्यादा कोई ग्रैंड डिस्काउंट चलती है कहीं, जैसे दिवाली सेल या कुछ भी, ठीक ऐसे ही समझ लो कि इस टाइम ना बहुत ज़्यादा हमें हम कम चीज़ करके हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, बहुत कम प्रयास करके हमें ज़्यादा बड़ी चीज़ मिल सकती है। तो ये कुछ ऐसा ग्रहों का, ये एक नक्षत्रों का और हर एक इस दिन के, ये कुछ विशेष दिनों के ये कुछ खास जो हैं फायदे होते हैं जो इसमें हमको मिल सकते हैं। तो हमें इन उत्सवों का, जो ये विशेष दिन है, त्यौहार है, इनका हमें जमकर फ़ायदा उठाना चाहिए। खैर मैं आपको बता नहीं पाई पहले, लेकिन शिवरात्रि तो अब दो बार आएगी, अब अगले उसमें भी अब वो 6 महीने बाद भी आएगी, तो उसमें और फिर अगले साल भी आएगी। तो अब हर शिवरात्रि पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो शिवरात्रि, सबसे पहले तो इसका नाम देखिए, महाशिवरात्रि, महा मतलब महा और शिव और रात्रि मतलब सारा खेल रात्रि का है, रात का ही सारा खेल है। वो क्यों है, इसको इस साल की सबसे ज़्यादा डार्केस्ट नाइट इसको बोलते हैं, कि सबसे अंधेरियाई रात जो होती है वो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की होती है। सबसे ज़्यादा अंधेरा यानी कि जो पृथ्वी है सबसे ज़्यादा दूरी पर सूर्य से इसी दिन होती है, इसी रात को सबसे ज़्यादा दूरी के एंगल पर रहती है, सबसे ज़्यादा दूरी के एंगल पर पृथ्वी रहती है। तो कई सारे ग्रहों के जो पोजीशंस हैं और जो जो पृथ्वी की जो पोजीशन होती है वो ऐसी रहती है कि जो जो चीज़ हमको अध्यात्म के लेवल पर करने के लिए बहुत हेल्प करती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं हमारा नाम जब हमारा मन नहीं लगता, हमें नाम जपने में मन नहीं लगता, मन इधर उधर बैठता है, थोड़ी देर करते हैं फिर भूल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारा पूजा में मन नहीं लगता, कुछ कहते हैं हमारा ध्यान में मन नहीं लगता। उन लोगों के लिए रात्रि जो है, ये जो ऐसा जो एनवायरनमेंट है कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त की वेला बताई जाती है, 3 से 5 का टाइम, उसको ऐसा होता है कि आप कुछ ना करने में सिर्फ बैठने मात्र से आपका ध्यान या जो भी आप करते हैं, नाम जपते हैं, अपने आप चलने लगता है, ध्यान बहुत स्मूथली चलता है बिना किसी हस्तक्षेप के, मतलब किसी बिना किसी डिस्टर्बेंस के, ना कोई विचार, बैठते ही आपका मन लग जाता है। यही ये पूरी रात्रि ही ब्रह्म मुहूर्त जैसी होती है, जो पूरी शिवरात्रि का जो काल होता है, रात को 9-10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कई लोग इसमें रात्रि जागरण करते हैं। जो लोग नाम जपते हैं वो बैठकर नाम जपते हैं, कुछ लोग ध्यान करते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं और जो नहीं भी करते ध्यान, मैं तो कहती हूँ उन लोगों को शुरुआत करनी चाहिए इस दिन से, या इस दिन आप वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने 6 महीने से नहीं शुरू, अगर आप जो चीज़ आपको 6 महीने करके लगती ध्यान में या कुछ भी, वो चीज़ आप सिर्फ इस एक रात्रि में कर सकते हैं। आपने 6 महीने का रास्ता, 6 महीने का पड़ाव आप इसे एक रात्रि में पार कर सकते हैं, आपका 6 महीने का टाइम बच जाएगा। तो इतना इन विशेष दिनों के हमें लाभ उठाना चाहिए, इन्हें हमें सो के नहीं गंवाना चाहिए। तो ये जो रात्रि होती है इसको हमें सोकर तो बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए, इस रात्रि को सोकर तो बिल्कुल ना गंवाएं। चाहे कोई भी यहाँ कितने भी व्यस्त हैं घर में, सबको बोलें, बोल दें कि भैया आज तो मैं ये करने वाला हूँ, इसमें कोई वो ज़्यादा झिझक वाली बात है नहीं। इतना तो हमको जिसके लिए जीवन में आए हैं धरती पर वो तो नहीं करेंगे, तो फिर सब कुछ करना व्यर्थ ही है। तो इतना तो टाइम निकालें कि जो विशेष दिन है ना, जो शिवरात्रि और ये जो सबसे बड़ी पूर्णिमा आदि होती हैं, इन पर तो हमको
लाभ उठाना ही उठाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ना अमृत बरस रहा होता है। मतलब फ्री में, जैसे कहते हैं ना, फ्री में भंडारा चल रहा है, फ्री में मुफ्त बांटते हैं भगवान। इसमें जो जो चीज़ मतलब अध्यात्म को पाने के लिए जो हम सारे जीवन भर करते हैं, व्रत, उपवास, त्याग, भजन, नाम जप, वही चीज़ प्राप्त करने, वही चीज़ हमको इस इन जो विशेष जो दिन होते हैं इस पर हमको बहुत जल्दी, अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें, हमको बहुत जल्दी मिलती है। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन दिनों में कुछ कोई ग्रह नक्षत्र, ये ग्रह सब वगैरह हमारी साधना में, हमारे इसमें ना रोक टोक नहीं कर सकते, क्योंकि ये पोजीशंस ऐसी होती हैं इस समय कि कोई ग्रह वगैरह हमारी साधना में डिस्टर्ब नहीं करते, हमारे आड़े नहीं आते। जो कई समय से हम अगर अटक रहे हैं किसी चीज़ में, अगर हम इस रात्रि को अगर अब पूरे दिल से प्रयास करें तो हम सफल हो जाते हैं। और क्यों? इस जो रात्रि है ना, ग्रहों का तो मैंने बता दिया है जो है, तो ये रात्रि है महाशिव की रात्रि है। मतलब जो हमारे अंदर जो एक हर एक कहते हैं हमारे हर एक इंसान के अंदर परमात्मा है, उसको जगाने की ज़रूरत है। उसी के लिए सब लोग कहीं मेडिटेशन, कुछ लोग ध्यान कुछ करते हैं, या भक्ति होती है। जो जो शक्ति है वो, जो उसको जगाने के लिए शिव और शक्ति, ये जो रात्रि है वो शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है। मतलब कि जो शक्ति हमारे अंदर समाई हुई है, जो हमारे अंदर सुसुप्त अवस्था में है, अभी हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, हम अवेयर नहीं हैं, हम सोए हुए हैं उस तरफ, उससे हमने अभी मुंह मोड़ रखा है। जो वो शक्ति हमारे अंदर अभी जो विद्यमान है, उसकी अनुभूति के लिए सब लोग, कोई निराकार वाले ध्यान करते हैं, हम लोग भक्ति करते हैं, तो उसकी अनुभूति, उसको जागृत करने के लिए जो है शिव का मिलन होना उससे जरूरी है। तो उस वक्त शिव जो है, जो जो रात जो उस समय जो ऊर्जा है इतनी बरसती है, इतनी बरसती है ऊर्जा, कोई ऐसा नहीं है कि कोई लाइट आएगी या कोई कुछ है, ये सब एक सूक्ष्म जगत की बातें हैं। मतलब कि जो हम इन आँखों से इन चीज़ ने नहीं देख सकते, एक एनर्जी, जैसे अभी यहाँ पर हम कुछ, मुझे गर्मी फील हो रही है, तो गर्मी कोई चीज़ थोड़ी ना कि मुझे दिखेगी हाँ ये रही गर्मी, तो ठीक वैसे ही ऊर्जा होती है जो उस समय इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, महाशिवरात्रि की रात को इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, वो बरसती है पूरी रात कि अगर सिर्फ कि इतनी इतनी पावर उसकी हाई होती है, अगर सिर्फ कोई कुछ भी ना करे, ना नाम करे, ना ध्यान करे, कुछ भी नहीं करे, वो सिर्फ बैठ जाए उस रात्रि को, सिर्फ बैठ जाए सीधा, तो वो ऊर्जा जो है वो हमारे अंदर उतरती है, उतरने में उसको सहायता मिलती है। तो उससे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा, अगर हम कुछ भी नहीं करते, हम बिल्कुल ज़ीरो हैं भगवान भजन में, भक्ति में कुछ नहीं, तो भी हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। हमारे अंदर शुद्ध विचार होंगे, हमारे अंदर वो एनर्जी आएगी, तो एक उत्साह, उमंग, एक हैप्पीनेस, ये चीज़ें महसूस होंगी, और धीरे धीरे आपका भक्ति की ओर अग्रसर होने का मन करेगा, ये फ़ायदा तो होगा ही। और जो लोग पहले से ही अध्यात्म के मार्ग में अग्रसर हैं, जिनका उद्देश्य ही अध्यात्म है, पर ठाकुर भगवान को पाना है, तो उनके लिए तो है ही भाई, वो अगर इस रात को जब बैठते हैं, जो अगर पूरी रात बैठे हैं, तो वो इतनी ज़्यादा शक्ति का प्रवाहन होता है इस रात्रि को हमारे अंदर। एक तो बहुत जल्दी बैठते ही आपका ध्यान लगेगा, हमने कुछ, हमारा ग्रुप है कुछ सखियों का, तो हमने बैठकर डिसाइड किया था कि हम जागेंगे, क्या जितना जिससे हो पाया वो जागा, कोई 1 बजे, 2 बजे, कोई 3 बजे फ्लैट हो गया, लेकिन हमने किया जितना हो सकता था। तो इतने अच्छे एक्सपीरियंस बताया सबने, एक बैठते एकदम से ध्यान लग गया, एकदम से बैठते ही, मतलब जो चीज़ आधा घंटे 15 मिनट बैठकर होती है, ध्यान लगता है, मन नहीं लगता, बैठते ही वो चीज़ बैठते ही हो जा रही थी, और इतनी तल्लीनता से, इतनी गहराई से हो रही थी कि ऐसा अनुभव कि हर दिन तो नहीं होता जो था रात को, तो वो चीज़ मैंने भी महसूस करी। तो करिए, अब शिवरात्रि तो हर महीने आती है, जो त्रयोदशी होती है कृष्ण पक्ष की, लेकिन जो महाशिवरात्रि होती है ना, इस पर जरूर करें उपाय। दिन भर में अगर आप उपवास करते हैं तो वो तो और अच्छी बात है, तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा, और अच्छे से ऊर्जा आपके अंदर, वो जो आध्यात्मिक शक्ति है वो आ पाएगी। तो इस रात्रि को तो बिल्कुल ना गवाएं, हमने पहली बार ट्राई किया, सबके बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस थे, सबने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस करे। इस दिन महाशिवरात्रि को भगवान को जल, फूल आदि, पत्र, पुष्प, फल, बेलपत्र, ये सब तो चढ़ाया जाता है, जिसके पीछे भी एक लॉजिक है, और शिवलिंग की पूजा की जाती है, और फिर जब रात्रि में जागरण करके ध्यान करा जाता है, तो उसकी बात ही अलग है, बहुत जल्दी उन्नति कर देते हैं भगवान महादेव आपकी अध्यात्म में, बहुत जल्दी उन्नति करवाते हैं भगवान महादेव जो हैं आपकी भक्ति में, बहुत जल्दी अध्यात्म की में
प्रगति के लिए महादेव से बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं दे सकता, मैं तो मानती हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो और कुछ लोग और जानना चाहते हैं, ध्यान से के बारे में जुड़ना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू जितना मुझसे हो सकता है कि मैं क्या करती हूँ, क्या होता है इन सब के बारे में। तो शिवरात्रि का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि उस रात को बैठें, नाम करें, जो आप नाम जपते हैं, जो आप भी आप नाम जपते हैं उसको डट के जपें, पूरी रात जपें, क्योंकि पूरी रात सोचेंगे तभी कहीं जाके 1-2 बजे तक जाग पाएंगे, तो इसलिए मैं पूरी रात बोलती हूँ। ठीक है, और कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अगली शिवरात्रि तक आने तक, ये सब में चली जानी चाहिए वीडियो। और अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।